लोगों के साथ डिस्कस करने वाला और रिफ्रैक्शन थ्रू ए डबल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सर्फेसेस। स्फेरिकल सर्फेस में आपका सर्फेस जो हो सकता है वो कॉन्केव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स उसका हो सकता है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्रेशन ऑप्टेन किया था म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑप्टेन किया उसी के अलग से हम लोग यहाँ पे एक न्यू एक्सप्रेशन ऑप्टेन करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के कई टाइम्स एग्जामिनेशन में रेगुलर पूछते रहते हैं। कहने का मतलब कभी कभी तो रेगुलर पूछते थे, कभी कभी वन ईयर गैपिंग करके पूछते रहते हैं। तो पर्टिकुलरली जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना रिफ्रैक्टिव थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका तो डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लेंस क्या होता है इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि लेंस का मतलब क्या होता है। देखिएगा, इट इज ट्रांसमिसिव, इट इज ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस और डिस्पर्सेस। का मतलब ये हुआ डिस्पर्सेस, या ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं यहां पे कन्वर्जेज और डाइवर्जेज। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा इट इज ए ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस और डिस्पर्सेस, फिर ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को लिख दिया कन्वर्जेज और डाइवर्जेज। कहने का मतलब ये एक ऑप्टिकल डिवाइस जो होता है ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब होता है कि अगर उससे लाइट एंटर करेगी उसमें तो वो जो लाइट होगी ना वो ट्रांसमिट कर जाएगी, तो इसलिए हम लोग उसको ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं दैट फोकसेस और डिस्पर्सेस ए बीम ऑफ लाइट। तो लेंस जो होती है एक ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं लाइट को डिस्पर्स या फोकस करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक प्लेन में, और वो जो होती है ना वो बीम ऑफ लाइट, जिसको लोग ये बीम ऑफ लाइट को वो क्या करता है डिस्पर्स करने का काम करेगा या फोकस करने का काम करेगा। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में लेंस के बारे में पढ़े हुए हैं, तो आप इमेज फॉर्मेशन जब करते हैं तो लाइट रे को डिफरेंट वे से इंसिडेंट करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन अगर लेंस में करते हैं तो रिफ्लेक्शन की बातें आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पे क्या होती है कि लाइट रे जो होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास करती है जिसको लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वो इंसिडेंट करता है तो उस केस में वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है डिफरेंट एंगल से अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो मिलने की कोशिश करता है, एट पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक दूसरे को मीट करता है या एक दूसरे से वो क्या करता है डिस्पर्स करने का मतलब एक दूसरे से डिस्टेंट हो जाना, एक दूसरे से स्कैटर कर जाना, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना। तो वो भी बातें आती रहती है, बट आपका जो मेन रूप से है ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ। आप जो लेंस होते हैं इट इज, यहीं से लिखिए, ए सिंपल लेंस एक सिंपल लेंस जो होती है इज मेड बाय ट्रांसपेरेंट मेटेरियल। एक सिंपल लेंस मेटेरियल या ग्लास लिखिए, तो एक सिंपल लेंस जो होती है एक ट्रांसपेरेंट मेटेरियल या एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से मिलकर के बनी होती है, व्हाइल कंपाउंड लेंस इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल लेंस। तो आपका जो एक सिंपल लेंस होता है एक आपका कंपाउंड लेंस होता है, तो सिंपल लेंस जो होती है ना वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर के बनी होती है, जबकि आपका कंपाउंड लेंस जो होती है उन्हीं सारे सिंपल लेंस को एक दूसरे से को एक्चुअली कंबाइंड करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं
उसको कंपाउंड लेंस के फॉर्म में देते हैं। चलिए तो ये आपका बहुत ही बेसिक आइडिया था लेंस के बारे में। अब देखिए लेंस की हम लोग अगर बात कर किए हैं तो उसका थोड़ा सा हम लोग फिगर भी देखिए, अगर आप लोग को नीचे में देख रहे देखिएगा, इस तरह की जो लेंस होती है इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। आप लोग को दिख रही है, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। लेंस के पास जो होती है दो फोकस होती है, इस बात को भी लिखिए, लिख लीजिए यहीं पे, इसके बाद यहां पे लिख लीजिएगा लेंस हैविंग टू फोकस होता है, या आप इसको बोल सकते टू फोकस, या इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, फोकल पॉइंट। वन बीइंग टुवर्ड्स, लिख लीजिए डिटेल में ही, तो आपको यहां पे लिख दिया। आप देखिए वह लेंस हैविंग टू फोकस, दैट मीन फोकल पॉइंट, वन बीइंग टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल पॉइंट, जिसमें कि इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फोकस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है आपका फर्स्ट पॉइंट फोकस पॉइंट होता है, अदर इज कॉल्ड, इसी के बाद आप लिख लीजिएगा, यहां तक लिख लिया आप लोग, यहां तक अगर लिख लिया तो इसके ऊपर थोड़ा लिख लीजिए, अदर इज कॉल्ड सेकंड फोकस पॉइंट। तो दूसरा जो होता है आपका सेकंड फोकस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको ये जो होता है आपका, जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया कि आपका कौन कॉनकेव लेंस होता है, अगर मान लीजिए कि मैं के लिए मेरा ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे है तो डेफिनेटली उससे सोर्स ऑफ लाइट जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इधर एक आपका इधर भी फोकस होगा और इधर भी फोकस होगा, तो ये आपका फर्स्ट फोकस पॉइंट कहलाएगा और इधर वाला आपका सेकंड फोकस पॉइंट कहलाएगा। अगर मैं मान लिया कि यहाँ पे आपका F1 है तो डेफिनेटली रूप से यहाँ पे 2F1 होगा, जिसको कि हम लोग मिरर में पढ़ते सेंटर ऑफ कर्वेचर वही आपका 2F के बराबर आ जाता है, यहाँ पे हम 2F से डिनोट करते हैं इसको। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा F2 और इधर फिर आपका राइट हैंड में क्या आ जाएगा 2F2 आ जाएगी। तो इस तरह से शेप जो होता है ना, इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर जो मैंने आपको बनाया है, ये आपका कॉनकेव लेंस को रिप्रेजेंट करती है। चलिए थोड़ा सा मैं एक दो आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा जो कि इससे रिलेटेड होती है। चलिए तो आप देख लीजिए कि कॉनकेव लेंस किस तरह से होते हैं। अब मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस से मुलाकात करवाता हूं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से होती है, कॉन्वेक्स लेंस जो होती है देखिए आप लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप लोग देखिए, ये जो लेंस है ना ये आपका कॉन्वेक्स लेंस कहलाती है। इसमें भी उसी तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, थोड़ा सा हम लोग फिगर को अच्छे से दिखाते हैं, उस टाइम नहीं दिखा पाए थे जगह की कमी की वजह से, ताकि सारी चीज इसमें आपको विजुलाइज हो जाए, इससे रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी भी है पर्टिकुलर इसका डिफरेंट, उससे उसको भी आप लोग को आइडेंटिफाई करवा दें। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इमेजिन करते हैं, ये जो होता है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसको हम लोग ये जो है ना ये मिडिल पॉइंट ऑफ ये जो आपका लेंस हो गया या मिडिल पॉइंट जो हुआ ये आपका ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिए ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जाना जाता है। फिर आपका जैसा कि मालूम है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड में रखते हैं, अगर मैं मान लिया कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका 2F1 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में रखते हैं तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट फोकस हो जाता है, इधर आपका सेकंड फोकस हो जाता है, ये आपका F2 हो गया और ये आपका 2F2 हो गया। फिर देखिए उसी तरह से इसमें भी हम लोग करते हैं बातें, तो इधर आपका F1 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, ये आपका F1 हो गया, इसका नाम लिख लीजिएगा, ये आपका कौन सा लेंस है कॉनकेव लेंस हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के सॉरी लिखा गया उल्टा लिखा गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस के अंदर में आ गया। अब देखिए ये आपका F1 आ जाता है, फिर ये आपका F2 आ जाता है और ये आपका सॉरी 2F1 आ जाता है
और ये आपका एफ टू आ जाता है, और यहाँ पे टू एफ टू आ जाता है। अब देखिए ये आपको मैंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना सिखा दिया कि आपका लेंस किस तरह से होता है, किस तरह से आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हो गया, तो आप लोग को रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था ऑन ए स्फेरिकल सर्फेसिस, बट हम लोगों को यहाँ पे सीखना है ऑन ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर लाइट रे को इस सरफेस पर, इस ऑप्टिकल डिवाइस पे अगर लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि एक मैटेरियल ये है, ये एक पूरा का पूरा मैटेरियल है, ये एक पूरा मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है, उसके बाद ये मेरा अलग मीडियम है, ये चारों तरफ का अलग मीडियम है। तो दो मीडियम कुल मिलाकर के यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एक आपका आ जाता है मीडियम हो गया जिससे लाइट रे पास करेगी, दूसरा आ जाता है जो आपका मैटेरियल है उसकी मीडियम हो गई। तो दो मीडियम हो गई। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी आ जाती है, तो इसी से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे भी डेविएशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कि जब लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करती है, तो ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम, अलग मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से क्या होती है, लाइट रे डेविएट से इट्स ओरिजिनल पथ, लाइट रे जो होती है अपने ओरिजिनल पथ से डेविएट कर जाती है, और दैट फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और सिमिलर एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों लेंस में ये फेनोमेना एग्जिस्ट करती है, बट कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होती है। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, व्हाइल कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने का वजह होता है कि अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तो ये आप रिफ्रैक्शन इट मीट्स इन एक्चुअल वे एट पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि एक्चुअली में वो क्या होता है कि आपको मीट करेगी, बट जबकि आप कॉनकेव लेंस में अगर करोगे तो लाइट रे मीट करने की बजाय एक दूसरे को डिस्टेंट करता है, एक दूसरे को एस्केटर करने का काम करता है, और वो डाइवर्ज करता है। मतलब डाइवर्ज करने का मतलब आप फिर करोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही है, बट एक दूसरे के अब इसे देखिए एक दूसरे के अलग होते जाते हैं। अब इसे मान लिया कि हमने लाइट रे को इंसिडेंट किया, एक लाइट रे ले लिया। जैसे आप लोग क्लास टेंथ में भी पढ़े होंगे लेंस में कि जब हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज का भी डिस्कस कर देना चाहूंगा, क्योंकि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इमेज का डेफिनेशन ही होता है कि इमेज का मतलब होता है कि जब आपका रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे या आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करे या ट्राई टू मीट या मिलने की कोशिश उस पॉइंट पे करे, तो वो पॉइंट ही उसका इमेज का लगता है। तो यहाँ पे बात होती है कि जब तक आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर तो हम लोग को रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं है, रिफ्लेक्शन की बात है। तो जब तक रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इमेज बनने की तो कोई चांस नहीं होती है। अब देखिए इमेज जो होता है कि आपको ऑब्जेक्ट किस तरह की होती है उस पर डिपेंड करता है, उसका इमेज किस तरह का बनेगा। अब ऑब्जेक्ट जो होती है आपका एक आ जाता है कि एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होती है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके डायमेंशन को नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं ज्यादातर। इससे हमें फायदा होती है कि हम लोग इजीली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके हम उसको प्रूव कर लेते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कन्वेंस के लिए क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। जब हमें किसी पॉइंट का इमेज बनाना होता है तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से पास करते हुए मोर देन टू और मोर देन टू लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। जब टू और मोर देन लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स और अपीयर टू मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो या तो वो मीट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन, या ट्राई टू मीट, जब वो मिलने का उस पॉइंट पे क्या होगा कि लगेगी फीलिंग्स होगी कि उस पॉइंट पे जाकर के वो मिलेगी। तो जिस पॉइंट पे वो मिलती है वही आपका इमेज होता है। तो डेफिनेटली मुझे यहां से डेफिनेशन से क्लियर है कि अगर मुझे इमेज बनानी है तो एटलीस्ट मुझे दो लाइट रे चाहिए। अब दो लाइट रे चाहिए तो होती क्या है कि आप लाइट रे को किसी तरह से भी इंसिडेंट करते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस तरह से लाइट रे को इंसिडेंट करें। लेकिन होती क्या कि हम लोग तो जब यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे तो वहां पे तो हम लोग के पास कोई डिवाइस नहीं रहेगी, या हम लोग के पास पूरा
मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रहेंगे कि हम लोग लाइट रे को कंप्लीट रूप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट करेंगे, या स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, या लाइट रे को स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग प्रिंसिपल फोकस से पास कर देंगे। तो यह बहुत डिफिकल्ट बात है कि हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से इंसिडेंट की जा सकती है, उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइट रे की प्रॉपर्टी को देख करके, जो कि रेगुलरली उसी एंगल से उसी एंगल से रिफ्रैक्ट होती है, और उसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें से एक दो इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि जैसे कि मैं सबसे पहला आपको बताता हूं कि मैं लाइट रे, सबसे पहला आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, सबसे पहला पहला है कि वेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। तो ये जो होती है पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लाइट रे इंसिडेंट करता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। सेकेंड आपका कंडीशन होता है कि वेन लाइट रे इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपका लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट करता है तो इट इमर्जेस अनदर मीडिया विदाउट एनी डेविएशन। तो ये जो होता है दूसरे मीडियम में इजीली इमर्ज कर जाता है विदाउट एनी डेविएशन, किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होता। दो हो गया, एक और देख लीजिए तीसरा, जो कि आपको मुश्किल से ही दिया है, जो आप लोगों को क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं, बस इसी तीन लाइट रे का आप यूज करके बना सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि दो ही लाइट रे एनफ है इमेज को फॉर्म करने के लिए, बट फिर भी कभी कभी हम लोग तीन लाइट रे को दिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वैसे कुछ जरूरत नहीं होती है। चलिए, तो तीसरा प्रॉपर्टी यह है कि वेन लाइट रे पासिस थ्रू द फोकस, जब अगर लाइट रे को आप फोकस से पास कर दोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये आपका किसमें हमने बताया, कॉन्वेक्स लेंस में। सिमिलर कंडीशन आपका कॉनकेव लेंस में भी होती है, बट यहां पे क्या होता है कि डाइवर्जेंस की प्रोसेस होती है। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हमने लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ध्यान से देखिएगा, अगर इसे मान लीजिए कि जैसे ही लाइट रे को हम लोग क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट किया, अगर हम लोग लाइट रे को इंसिडेंट किए तो ये डायवर्ज कर जाती है, और डायवर्ज करेगी बट इट अपीयर्स टू मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज फोकस, बट ये अपीयर करेगा, ये कोशिश करेगा फोकस पर ही मिलने का। जैसे कि देखिए, जब लाइट रे को हम इस कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट किए, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डायवर्ज, ये डायवर्ज कर गया। डायवर्ज करने का मतलब ये इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, पर्टिकुलर जैसे रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में जाती थी, बट देखिए इस डायरेक्शन में आ गया। तो अब यहां पे क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में आ गया, तो डेफिनेटली आप इसको अगर बैक थ्रो करेंगे, बैक साइड थोड़ा सा बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जाने देते हैं। जैसा कि मैंने आपको वन नंबर में बताया था कि वेन लाइट रे इंसिडेंट, वेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू पासिस थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, आपको फोकस इंसिडेंट करते हैं, इसमें वही कारण बनते हैं जो मैंने आप यूज करोगे प्रिंसिपल फॉर्मेशन, तो आपका ये हो गया। अब इसके बाद जो आती है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट एक और टर्म्स है, वो है आपका फोकल प्लेन, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं कि फोकल प्लेन क्या होता है। स्टिल फिर भी हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, विच फिगर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फर्स्ट फोकस पॉइंट है, ये आपका सेकंड फोकस पॉइंट है, और ये आपका सेकंड फोकस पॉइंट है, ये आपका 2F2 हो गया। अब देखिए कि अगर मैंने मान लिया कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, अब यहाँ पे क्या है कि फोकल प्लेन का मतलब होता है कि एक प्लेन होती है जो फोकस से पास करती है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। थोड़ा सा प्लेन के जैसा तो दिखेगा नहीं, बट आप लोग अगर कोशिश करोगे तो प्लेन के जैसा दिख जाएगी। देखिए ये आपका प्लेन हो गया,
ये आपका फोकस प्लेन होता है, इस तरह से ये प्लेन इसमें इसे पास करती है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वे से, तो ये सारे लाइट रेज होंगे ना फोकल प्लेन पे ही मीट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि लाइट रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इंसिडेंट किया, तो आपने रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर दिया, तो फोकस से पास करेंगे तो आप इसको फोकस से मेंशन कर दीजिए। फिर देखिए दूसरे लाइट रे को अगर मान लीजिए कि आपका अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करते हैं, तो इसी से होकर पास करेगी। फिर तीसरा लाइट रे आप लेते हैं, अगर मान लीजिए कि लाइट रे को इंसिडेंट कर दिए फोकस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जाएगी वो भी आपका फोकस प्लेन है, फोकल प्लेन पे ही चल जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि जितने भी लाइट रे होती है सारे के सारे आपका फोकल प्लेन पर ही मीट करता है। चलिए तो ये चीज आप लोग समझ गए। इसको अगर आप लोग समझ गए तो मैं अब आप लोगों को तीसरा एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूं, वो देखिएगा वो क्या है। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को एक डिस्कस करते हैं, एक इमेज सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग समझ सके कि इमेज किस तरह से बनता है। इमेज फॉर्मेशन में जैसे कि मैं मान लिया एक सिचुएशन ले लेते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। बहुत सारा सिचुएशन है तो हम लोग क्लास 12th में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत कहीं कहीं लग जाती है, फिर भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिएगा कि आपको ये आपका F2, ये आपका 2F2 हो गया। अगर ये मान ले कि मेरा कोई लाइन है जो वर्टिकल इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है दो पार्ट में, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है। अब मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड द 2F4 रख दिया, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2F4 रखे तो इसका इमेज कहां बनेगा, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2F4 रख दिया, तो सबसे पहले अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करते पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखिएगा हम लोग रफेस की चीज करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो अगर इधर उधर फिगर हो जाती है, बट उसको हम लोग कोशिश करेंगे मेंटेन करके उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर दूसरी लाइट रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, विदाउट एनी डेविएशन। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो विदाउट एनी डेविएशन ये क्या करता, पास कर जाता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि मैनेज करने का कोशिश करना है। तो देखिए तो इस केस में क्या हुआ कि आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट रे जो है एक्चुअल में एक दूसरे को मीट करती है, एक्चुअल में एक दूसरे को मीट किया विदाउट डाइवर्ज किए हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये लाइट रे जो है ओरिजिनली रूप से इस पॉइंट पे मिला है और इसका इमेज यहाँ पे बना। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे देखिए छोटा थोड़ा इमेज बना है, तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2F1 इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2 साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। फिर आप बोल सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं नॉर्मल बात में। और आपका तीसरा बात आता है कि इमेज इज फॉर्मड रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपका इमेज देख सकते हैं यहाँ पे आपका रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही केस है आपको बता देते हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट केस में आप जब इमेज को फॉर्म करेंगे, तो उसमें से एक केस आपका ये भी आता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे, तो होता क्या है कि आपका ये कॉन्वेक्स लेंस में जो होता है आपका वर्चुअल एंड रियल दोनों इमेज फॉर्म करती है, जबकि आपका कॉन्केव लेंस होता है ऑलवेज वर्चुअल इमेज को फॉर्म करती है। तो ये जो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज दोनों बनाने की वजह से क्या होता है कि एक ही ऐसा केस होता है जिसमें ये वर्चुअल इमेज बनाती है, अन्यथा तो सारे केस में जो होते हैं आपका ये रियल इमेज ही फॉर्म करती है। तो बस एक केस की वजह से क्या होता है, चाहे आप न्यूमेरिकल्स का स्टडी करें या आपका कंप्लीटली रूप से ये आप रियल इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये हमेशा रियल ही बनाते हैं, बस एक एग्जांपल की वजह से जो होती है वो आपका पूरा का पूरा जो होता है कोई चाहे कोई न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो आपको दो केस लेकर के बनाना ही पड़ेगा, आपको पहला केस लेना ही पड़ेगा कि आपका रियल होगा और जब वर्चुअल होगा। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं, एक और केस इसमें दिखा रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट को वो कौन सा केस है इन कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज जो बनता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। देखिए अगर मैं मान लिया कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पे मैं मान लिया कि आपका ऑप्टिकल सेंटर है यह आपका F2, इधर आपका 2F2 और इधर आपका F1, इधर आपका 2F1 है।
अगर मैं मान लिया जब ऑब्जेक्ट टेकन है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस पॉइंट के बीच में रखते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ1 एंड ऑप्टिकल सेंटर इन दैट केस इमेज इज फॉर्मड। अब इमेज इस केस में कहां बनती है उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे इमेज बनाने के लिए इमेज तो आपको मैं बता देता हूं कि इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड द एफ1 एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बनेगा, जबकि अदर केसेस में आप देखेंगे अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट बनता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं तो इमेज आपका इधर बनेगा, बट एक ही ऐसा केस है वो कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट को अगर आप लेफ्ट में रख रहे हैं तो लेफ्ट में इसका इमेज भी बनेगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये जो होता है आपका इमेज में जो होता है आपका लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और एफ1 के बीच में रखते हैं तो लाइट रे को डेफिनेटली उसमें सबसे पहले पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट करेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, ये फोकस क्या करेगा पास करेगा, थोड़ा सा देखिए स्ट्रेट नहीं खींचा है आप लोग खींच लेंगे। फिर दूसरा आप अगर केस यहाँ पे आजमाएंगे तो आप दूसरा लाइट रे किस तरह से इंसिडेंट करते हैं, मैंने लाइट रे को दूसरा लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया तो दूसरा केस मैंने लिया कि वे लाइट रे इंसिडेंट या लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इन दैट केस लाइट डजंट डेविएट एनीवे, किसी तरह से वो डेविएशन नहीं होता है एंड इट इमर्जेस इन अदर मीडियम विदाउट एनी डेविएशन, और ये बिना डेविएशन का दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है और ये डाइवर्ज कर रहा है। आप यहाँ पे गौर करें तो देखिए ये दोनों जो है क्या है धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो आप इसको इन्फिनिटली अगर इंक्रीज भी करते रहोगे इसी तरह से, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग इसको इनफिनिटली अगर इंक्रीज भी करते रहे इसी तरह से इसी डायरेक्शन में तो भी ये कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। तो अगर आप इसको बैक साइड में इंक्रीज करते हो तो आप क्या फील करोगे, अगर इसको मैं बैक साइड में थोड़ा सा बढ़ा लूं तो आप पता चलता है कि ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि आप इमेज को देख रहे हैं कि आपका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये एक ऐसा आपका स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज जो आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलिए तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए मैंने आपका आपके साथ इसका डिस्कशन कर दिया। एक और आपका इसमें और आता है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, वो आपका कॉनकेव लेंस में वो तो हमेशा आपका इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बनाता है, आप लोग देख लेंगे नहीं तो। चलिए अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा टॉपिक का नाम हम लोग का क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक्सप्रेशन जो इसी को हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जो कि आपका वन अपॉन F इज इक्वल टू वन म्यू टू माइनस वन इन टू वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन म्यू टू, इसका वन म्यू टू का मतलब कभी कभी इस तरह से भी लोग लिख देते हैं म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन माइनस वन, और उसके बाद आपका जो ये या तो इस तरह से भी लिख देता है, कभी कभी आपको बुक में इस तरह से भी लिखा रहेगा, या कभी कभी आप देखेंगे कि इसी को या कभी कभी इसी को क्या करते हैं कि आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन को आपको लिख देगा एन टू वन के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को कभी कभी आपको म्यू टू वन के नाम से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिख देते हैं हम लोग। चलिए तो ये हो गया आपका ये, और इसके बाद वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू होता है, इसी को कभी कभी हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, इसका वजह क्या होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला जानने की वजह देखिए सबसे पहले इसका हम लोग प्रूफ करने के लिए चलते हैं। प्रूफ करने के पहले सबसे पहले तो आप एक जनरल सिचुएशन लेते हैं हम लोग। देखिए अगर मैंने मान लिया कि ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ तो कहते यहाँ पे हम लोगों ने कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर लिया। अब देखिए यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया,
अब देखिए जैसे कि लाइट रे को सबसे पहले अगर मैं मान ला कि यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लिया एक मिनट के लिए इसको अगर हम ऑब्जेक्ट ओ मान लिए, ओ मत मान लिए, पी मान लीजिए, ये मेरा पी ऑब्जेक्ट है। लाइट रे को हमने क्या किया कि इंसिडेंट कर दिया। लाइट रे को जब इंसिडेंट करेंगे तो आपका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली रूप से यहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगा। और मान लिया कि ये मेरा फाइनल इमेज है। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्टली रूप से यहाँ पे इमेज को फॉर्म कर लिया। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो सर्फेसेस है, एक सर्फेस ये है, एक सर्फेस ये। अगर मैं इसका नाम ए और इसका नाम बी डी रख दे और इसका हम सी नाम रख दे, तो यहाँ पे ये जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये दो स्टेप एक्चुअल में लेती है। पहला रिफ्लेक्शन, अगर मान लीजिए कि आपका एक म्यू वन है और एक आपका म्यू टू है, ये म्यू वन और म्यू टू क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट का काम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो म्यू टू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, ये म्यू टू जो आपका क्या है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जबकि म्यू वन जो है आपका, ये आपका म्यू वन इस चारों तरफ का एनवायरमेंट जो है आपका या मीडियम जो भी है उसका ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद आपका पी जो आ गया ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो डेफिनेटली रूप से अगर मैं सर्फेस एबीसी की तरफ लूंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप एबीसी सर्फेस लेते हैं तो इसके इसके टाइम में कैसा रिफ्लेक्शन होगा और इसके लिए किस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग अप्रेंट करेंगे। चलिए तो आपका म्यू वन क्या हो गया, या इस बात को आप लोग याद रखेंगे, म्यू वन जो हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनवायरमेंट बोलिए, मीडियम बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, ये आपका क्या हो गया, ये मटेरियल ग्लास का हो गया, मतलब क्या ये आपका लेंस का हो गया। इसके बाद जो आपका और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका ये जो एबीसी आपका सरफेस है, इस सरफेस के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा R1 फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया, या R1 रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज द रेडियस ऑफ सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस एबीसी, स्फेरिकल सरफेस एबीसी, व्हाइल R2 जो हो गया आपका इस सरफेस एडीसी का सरफेस का जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट बात आता है इसमें, देखिएगा इसके बाद ये आपका जो होता है ये आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट सरफेस समझने के लिए, और इसको आप बोल सकते हैं सेकंड सरफेस। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो आप देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब हम रिफ्लेक्शन को यहां पे एग्जिस्ट कराते हैं तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा हम लोग बाहर में लेकर के, इसका रे डायग्राम थोड़ा सा हम लोग बाहर में लेकर के आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से यहां पे रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट फर्स्टली सरफेस एबीसी ऑपरेट एडीसी, मतलब एबीसी में किस तरह से रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती है और एडीसी में किस तरह से रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो आप सरफेस एबीसी के लिए क्या बोल सकते हो, सबसे पहले बोलोगे कि लाइट रे इंटर्स फ्रॉम म्यू वन मीडियम टू म्यू टू मीडियम, मतलब म्यू वन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम से म्यू टू वाले में इंटर कर दिया, तो डेफिनेटली रूप से रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, और रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी तो उसके लिए आपको क्या होगा, हम लोग जो रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस पढ़े थे उसको फॉर्मूला यूज होगा। सिमिलरली अदर टू सेकंड सरफेस के लिए भी आपका एग्जिस्ट करेगा। बस इतना चीज अगर आपने कर लिया तो समझिए कहानी खत्म है, एक भी फॉर्मूला हो गया। बस दोनों सरफेस पे ना वो जो रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस हम लोगों ने पढ़ा है उसका फॉर्मूला यूज कर रहा है दोनों तरफ, एक सरफेस इसके लिए एक सरफेस इसके लिए, और उसके बाद ऑटोमेटिक दोनों को ऐड कर देंगे जो आपका फॉर्मूला ये आपका आ जाएगा। बस इतना ही सा इसमें और कुछ नहीं है। तो ये चीज अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ऊपर वाला मैं मिटा लेता हूं, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट पूछ जाएगा कि प्रूफ द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट, सबसे पहले राइट भी करने के लिए बोल देता है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद क्या करता है उसको प्रूफ करके दिखाए। दूसरा आपको कभी कभी डायरेक्टली प्रूफ करके प्रूफ करने को दे जाता है। तो सबसे पहले इस इमेज को बना ले आप लोग, ये जो आपको डायग्राम बनाया आप देखिएगा यहाँ पे उज्ज्वल मीनिंग जो उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा म्यू वन इज इक्वल टू शॉर्टकट में आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये दिए गए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस हो गया, इस लेंस का जब तक म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आर वन जो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस एबीसी हो गया, ये एबीसी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर टू जो हो गया
रेडियस ऑफ कर्वेचर एडीसी हो गया, ये जो आपका आर टू जो हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एडी टू हो गया, एडीसी हो गया। अब देखिएगा कि ये जो आपका ये डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया है, देखिए इसका होता क्या कि एक्चुअल में सबसे पहले जब आपका रिफ्लेक्शन होगा, सबसे पहले मान लीजिए आपका एबीसी सरफेस जो है, एबीसी सरफेस है, हम इसी में कंबाइन फिगर बना करके फिर इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइट जब इंसिडेंट करती है इस तरह से, तो एक्चुअल में सबसे पहला इमेज थोड़ा सा हटके बनता है, जो कि आपका यहां पे भर्त बनता है आई वन, ठीक, पहला इमेज आपका आई वन बनता है। और ये आई वन इमेज जो है फॉर्स द सरफेस एडीसी, इट इज ट्रीटेड एज वर्चुअल इमेज, एडीसी सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज बन जाती है और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है, और फिर इसका फाइनल इमेज जो होती है आपका आई के जगह पे बनता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग स्टेट में खींचेगा, थोड़ा सा हमने क्या किया, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा पहले खींच लेते हैं। ये आपका हो गया, ठीक। तो ये आपका सबसे पहले जो है ना, ये एडीसी सरफेस के लिए आपका वर्चुअल हो जाती है और ये आपका फिर यहाँ पे रियल इमेज ये फॉर्म कर देती है। तो वास्तव में इमेज तो आपका रियल ही बनता, बट वो इसके लिए वर्चुअल बन जाती है। अब जो हुआ, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला वो हमने देख दिया, थोड़ा सा इस सेंट है, मतलब इस जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों ने जो किया है ना, जो लिखा है, उस चीज को थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में मेंशन कर लेते हैं। ऊपर वाला हम लोग थोड़ा सा मिटा ले, जो हमने देखा है स्पेस थोड़ा कम है, इसका प्रूफ थोड़ा लंबा होता है, लंबा क्या होता है, बस थोड़ा सा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा हम लोग बड़ा बड़ा लिखा जाता है, जिसकी वजह से लगता है थोड़ा सा लंबा है, वरना आपका ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसानी से समझ लेंगे। देखिए तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस एबीसी पे शो करते हैं। देखिएगा तो अगर आप चाहे तो इसका अलग से आप इमेज भी बना सकते हैं, वरना आप ऐसे ही चल सकते। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग, और सबसे पहले करते हैं, देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑन ए सरफेस ए बी सी। तो हम लोग सबसे पहले सरफेस रिफ्लेक्शन करा लेंगे एबीसी पर, तो हम लोग लिख देते हैं एबीसी, ये आपका रिफ्लेक्शन हम लोग एबीसी सरफेस पे लेते हैं। तो इस एबीसी सरफेस पे अगर मैं लूंगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते, देखिएगा थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। तो इस केस एबीसी सरफेस वाला इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लू, देखिएगा तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करने को चला तो यहाँ पे आपका ये आपका क्या पी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर पी आपका ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपने क्या किया कि लाइट रे को इंसिडेंट किया, तो लाइट रे को अगर आप इंसिडेंट करते हैं तो इस तरह से आपने यहाँ पे इंसिडेंट किया लाइट रे को, और इसके बाद आप यहाँ पे क्या हुआ रिफ्लेक्शन हुआ। तो इमेज जब बनाते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इमेज का डेफिनेशन होता है कि एटलीस्ट टू लाइट रे चाहिए, तो यहाँ पे भी हमने टू लाइट रे को इंसिडेंट किया, एक हमने यहाँ पे पीए के डायरेक्शन में इंसिडेंट किया, अगर इसका नाम मैं एन वन रख दू, एन वन है इस पॉइंट का, एन वन है और ये पॉइंट जो आपका एन वन है, तो इधर से मैंने जो लाइट रे को इंसिडेंट किया, तो इधर से मान लीजिए इसको एन टू, इधर से हमने एन वन मान लिया, इधर से एन वन, इधर से एन टू, इसके लिए एन टू हो गया, इसके लिए एन वन हो गया, तो ये पी एन वन के डायरेक्शन में इंसिडेंट किया, और दूसरी लाइट रे को हमने क्या किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमने इंसिडेंट किया। तो देखिए दोनों फर्स्ट केस में आई वन पे मिट किया, तो ये जो मिट किया आई वन पे, यहाँ पे आपका किस तरह का इमेज बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनता है। तो अगर हमने लाइट रे को यहां से इंसिडेंट किया तो सबसे पहले एक ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट आई वन, उसके बाद फिर हमने दूसरी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में इंसिडेंट कर दिया, तो विदाउट डेविएशन इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड मीट्स एट द पॉइंट आई, और ये आई वन पे मिट जाता है, मीट करता है, जिसकी वजह से इसका इमेज जो बनता है वो कहां बनता है आई वन पे मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये आई वन पे मिट किया, यहाँ पे आप लोग आराम से पहले से जानते हो कि यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होती है इससे परपेंडिकुलर का काम करता है, अगर कोई लाइन इससे पास करती है तो, अगर कोई लाइन इससे पास करती है तो ये परपेंडिकुलर का काम करती है, तो डेफिनेटली रूप से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो मेरा एंगल है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये आपका एंगल क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, चाहे तो आप आई वन आर वन के नाम से भी इसको रख सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया। तो आपको मैंने सबसे पहले सरफेस एबीसी के बारे में बताया कि एबीसी में रिफ्लेक्शन किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, समझ गए। अब अगर यहां तक समझ गए तो ये जो आपका ये सी मैंने माना, ये आपका आर वन हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैंने मान लिया कि आपका क्या हो गया आर वन हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को जो मैंने माना था एन वन, इसे भी यहां पे लिख देता है।
अब क्या करूंगा कि सबसे पहले ये जो सरफेस एबीसी पे जो रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा हम लोग उसको लैंग्वेज करो देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दारे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स एट आई वन एंड अदर इट मीट्स एट आई वन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स एट आई वन एंड अदर रे That incident along the principal axis emerges in other medium without any deviation and form image on I1। और इसने क्या किया कि सबसे पहले मैंने पीएन वन की डायरेक्शन में लाइट रे को इंसिडेंट किया, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम दिया है पीएन वन ए सरफेस एबीसी में, जो है आपका सरफेस को मैंने नाम नहीं दिया, लिख लीजिए आप लोग ए बी सी सरफेस एबीसी पे जब हम लोग रिफ्रैक्शन को शो कर रहे थे लाइट रे को जब हमने पीएन वन के डायरेक्शन में इंसिडेंट किया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट रिफ्रैक्टेड या इट रिफ्रैक्ट अलोंग एन वन आई वन एंड अदर लाइट रे विच is incident along the principal axis which incident along the principal axis emerges along the principal axis in other medium without any deviation। तो ये जो light है दूसरी मैंने लिया इमेज को फॉर्म करने के लिए, ये आपका एक principal axis के along में गया और दूसरी light ray जो था आपका इस direction में गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या मैंने ओपन क्या किया आई वन यहाँ पे इमेज फॉर्म किया। अब ये आई वन इमेज यहाँ पे जो फॉर्म किया उसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। अब ये जो आई वन इमेज बना इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो रिफ्रैक्शन ऑन एस्फेरिकल सरफेस का डिस्कशन किए थे उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको मिटा ले थोड़ा सा ऊपर वाला, ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा आप लोग लिख लेंगे सबसे पहले। अब देखिए इसके लिए क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों को देता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है कि आप लोग जानते हैं कि म्यू टू अपॉन भी ध्यान से आप लोग लिखेंगे, बस यही चीज थोड़ा सा है आप लोग को थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ा सा आप लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देंगे चाहे साइन का या सिंबल का तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी प्रूफ करने में। देखिएगा तो अब यहां पे लिख लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस एबीसी, तो आप लोग जानते हैं विथ साइन कन्वेंशन, हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ यहां पे क्या करते हैं रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सी फॉर्मूला है वो आप लोग जानते हैं हमें, म्यू टू अपॉन भी जो होता है आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। तो अगर इमेज की बात करते थे इस सरफेस एबीसी के लिए आपका इमेज ये हो गया तो बी आई वन हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन यू, यू जो होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है जो क्या होगा पीबी। ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीबी होता है आप यहां पे पीबी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है पीबी, बट ये आपका क्या है निगेटिव होगा इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे निगेटिव पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू। तो यहां पे म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन
डिवाइडेड बाय आर, आर आपका ऑप्टिकल, ये जो आपका है ये आर वन, ये आपका आर वन होगा जो कि आपका यहाँ पे क्या सूख गया हुआ है बीसी के बराबर है, आप इसको आर वन लिखना, बीसी है तो बीसी ही लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखा, इसको बीसी नहीं लिखी, बीसी वन लिखी क्योंकि एक जगह पर और आएगी, चलिए तो आप लोगों ने इसको बीसी वन लिख दिया। तो ये जो आपको मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है म्यू टू अपॉन बी आई प्लस म्यू वन अपॉन पी बी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई बी सी वन, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा इन सेकेंड सरफेस ए डी सी, अब इसको थोड़ा सा सॉरी इसको मिटा दिया हम लोग, ऊपर वाला हम लोग मिटा लेते हैं। देखिएगा ये जो हम लोगों ने बनाया था यहां पे आपका क्या था पी था ना, चलिए अब क्या है कि हम लोग इस सरफेस एडीसी जो है इस पे हम लोग रिफ्रैक्शन को लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं, इसी को मिटाना भी है फिर इसी को लिखना भी है। तो अच्छा एक काम करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम लोग यहां पे लिख लें छोटा जगह पे ताकि स्पेस हम लोग को मिले। तो इस चीज को अगर मैं यहां पे लिख लूं छोटा जगह पे तो म्यू टू अपॉन बी आई, म्यू टू अपॉन बी आई वन है, बी आई वन प्लस म्यू वन अपॉन पी बी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन डिवाइडेड बाई बी सी वन, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो अब देखिए बस दूसरा दूसरा जो आपका है उसके जगह पर केवल आप लोग लिखेंगे, बस बस कहानी यहां पे खत्म हो जाएगी। अब दूसरा है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस एबीसी, ऑन द सरफेस एबीसी रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस एबीसी, अगर हम लोग यहां पे इस एबीसी सरफेस के बाद एडीसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन को लेते हैं तो उस केस में आपका सरफेस इस तरह से कुछ है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका यहां पे ये आपका जो पॉइंट है ये आपका डी है, उसके बाद देखिएगा ये आपका यहाँ पे ये जो आई इमेज है यहाँ पे है बना हुआ, ये जो आपका आई इमेज है ना यही वास्तव में क्या करती है, ये आपका ये आई इमेज इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर जाता है, और ये जब आपका यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो ये इस तरह से लाइट रे था ना, इस तरह से ये जो लाइट रे था इसका जो अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको बनाएंगे तो देखिए इसका इस तरह से जाएगा और इसका जो होता है इमेज एक्चुअल में यहाँ पे आकर के आपका बन जाएगा और फाइनली क्या होता है रिफ्रैक्शन के बाद आपका इमेज आई वन। तो यहां पर लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस एडीसी फाइनली इमेज, उतना लैंग्वेज आप लोग लिखेंगे तो फिर पता चलेगा कि जो हमें सीखना है वही नहीं सीखे और कुछ और हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग शॉर्ट थोड़ा कर रहे हैं। फाइनली इमेज इज फॉर्मड ऑन आई, तो फाइनली जो मेरा इमेज बनता है वो कहां पे बनता है, आई पे बनता है, इसका नाम हम लोग लिख लेंगे एडीसी और ये आपका एल वन है, ये आपका ऊपर वाला है, ये आपका एडीसी एल वन है, ये आ गया इस तरह से। अब यहां पे देखिए तो ये आपका पहले म्यू वन से म्यू टू गया और यहां पे क्या है ये म्यू टू से म्यू वन आया, पहला जो आपका गया वो म्यू वन से म्यू टू गया, दूसरा जो आपका म्यू टू से म्यू वन आया। अब यहां पे क्या है कि अब हम लोग लिखते हैं, देखिएगा ये इतना आप लोगों ने कर लिया था, चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा एक सी टू मान लेते हैं पॉइंट यहां पे, इसके लिए आपका हो गया ये आपका किसका काम करेगा, ये आर का काम करेगा यहां पे, ये आपका आर का काम करेगा। अब यहां पे फिर हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर वाला मिटा लेते, देखिएगा अब यहां पे क्या है कि वही फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला पढ़ाया म्यू टू अपॉन भी, तो म्यू टू अपॉन भी जो होता है म्यू टू आपका यहां पे कौन हो गया, म्यू टू का मतलब होता है दूसरा मीडियम, तो पहला मीडियम तो ये हो गया दूसरा मीडियम ये हो गया, इसी बात को आप लोग केवल यहां याद रखेंगे। इसमें क्या था कि आपका पहला मीडियम म्यू वन था और दूसरा मीडियम क्या था, इससे पहले जो मैंने बताया था यहां पे जो डायग्राम बनाया था म्यू टू था बाद वाला मीडियम, यहाँ पे क्या है कि म्यू टू आपका फर्स्ट मीडियम की तरह ट्रीट होगा और म्यू वन आपका सेकंड मीडियम की तरह ट्रीट होगा, तो इस केस में अगर म्यू टू अपॉन भी लिखेंगे तो म्यू टू का प्लेस कौन ले लेगा म्यू वन,
तो दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन बी। अब अगर मैं बी लूंगा तो आपका बी कौन ले रहा है, ये डी आई बी हो जाएगा। तो म्यू वन अपॉन डी आई, म्यू वन अपॉन डी आई माइनस म्यू टू अपॉन यू, यू आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका म्यू है वो डी आई, ये आपका क्या हुआ डी आई वन हो जाएगा, ये आपका क्या हुआ डी आई वन हो जाएगा। तो ये डी आई वन हो जाएगा और इज इक्वल टू म्यू टू, अब यहां पर देखिएगा म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। अब अगर मैं म्यू टू माइनस म्यू वन की बात करूं, ध्यान से आपको देखेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन की बात करूंगा तो म्यू टू का आपका जो है सेकेंड मीडियम और उसके बाद माइनस फर्स्ट मीडियम, तो यहां पे वही क्या देगा म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर, ये आपका आ जाएगी एक्सप्रेशन। जब ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगी तो आप यहां पे क्या गौर करोगे देखना ध्यान से, अब ये आ गई तो इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे, इक्वेशन सेकंड माने। जब आप इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं तो देखिए एक बात और है, ये आपका म्यू वन माइनस म्यू टू हुआ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, ये जो आपने यहां पे मैंने आर लिख दिया ये आर ही है, और ये जो आर है आपका ये क्या है डीसी टू है, ये डीसी टू है। तो अगर आप इसको डीसी टू लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे भी एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि ये डीसी टू जो है अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, मतलब ये लेफ्ट है तो साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव होती है तो डेफिनेटली रूप से हम लोग का नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगी तो फिर क्या है प्लस और ये माइनस पे, क्योंकि हम माइनस लगाएंगे फिर इसको साइन का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर में आपका नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर आप यहां पे लिखेंगे तो यहां पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में यूजिंग साइन कन्वेंशन, कर दिया। अब ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद क्या है कि यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है हम लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा मिटा ले देखिएगा, अब वैसे अब इसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम लोग रहने देते हैं, रहने देते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगर ये लेंस जो है आपका काफी पतला हो तो इन दैट केस ये मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि फॉर थिन लेंस बी एंड डी पॉइंट्स कोइंसिडेंट मींस दैट कोइंसाइड टू ईच अदर, सो वी कैन रेफर बी बाय डी और डी कैन बी रेफर्ड बाय बी। तो इस केस में जब बी और डी काफी क्लोज सिचुएटेड है तो इस केस में बी को हम लोग डी से रेफर करें या डी को हम लोग बी से रेफर कर सकते हैं, इस तरह रेफर किया जा सकता है। तो अगर मैं यहां पे इसको मिटाकर थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करूं तो आपको क्या नजर आएगा, तो आप लोग कह सकते हैं दैट इंप्लाई दैट म्यू वन अपॉन डी आई, ये जो आपका डी आई है डी आई ही रहने देंगे माइनस म्यू टू अपॉन डी आई वन, तो म्यू टू अपॉन यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा सिंस, ऐसे लिखिएगा फॉर बीच में लिख लीजिएगा थिन लेंसेस बी इज क्लोजली टू क्लोजली सिचुएटेड टू द डी, या इसको हम लोग शॉर्टकट में बीच नियर टू डी लिख सकते हैं। तो इस केस में म्यू वन अपॉन डी आई माइनस म्यू टू अपॉन डी आई वन को लिख सकते हैं, डी आई वन को हम लोग इजिली लिख सकते हैं बी आई वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस, फिर इसी तरह से याद रहेगा आपका क्या म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई डी सी टू दैट रिप्रेजेंट्स एज इक्वेशन सेकंड, इसी को मैंने फिर इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसको चाहे तो हटा लीजिए, चलिए ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो आप इसका कोई काम है नहीं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, मिटा ले। वैसे थोड़ा सा एक काम था कि ये जो आपका ये यहाँ पे डी आई जो है ना डी आई ये आपका इमेज है, ठीक इमेज डिस्टेंस, तो आप लोग उसको इमेज डिस्टेंस मान लेंगे, और ये आपका पीवी जो था पीवी ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, तो जहां पे पीवी अच्छा सॉरी दूसरा भी मिटा दिया एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था म्यू टू डिवाइडेड बाय बी आई वन या आपका म्यू वन डिवाइडेड बाय पी वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय डी सी वन ये था। अब हम लोग क्या करते हैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो यहां पे लिखते हैं एड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट वाले को हम लोग लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट वाले को राइट में ऐड करेंगे, इन दैट केस ये आपका म्यू टू अपॉन बी वाई वन जो है दोनों में कैंसिल कर जाएगी, और दोनों में जब कैंसिल हो जाएगी ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या म्यू वन अपॉन डी आई प्लस म्यू वन अपॉन पी वी, तो इसको लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन डी आई प्लस म्यू वन अपॉन पी वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, दोनों में कॉमन आ गया तो म्यू टू माइनस म्यू वन इन टू वन अपॉन
ये आपका BC1, ये आपका क्या है BC2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं BC1 माइनस वन अपॉन BC2, ये जो भूल से D लिखा गया था यहाँ पे, एक्चुअली D और B काफी क्लोजली है तो D को हम लोग B से रेफर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर दे। चलिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया था उसमें आप देखेंगे ये जो DI है वो क्या है एक्चुअल फाइनल इमेज है, तो वो फाइनल इमेज है दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन डी जो है जब बी के काफी क्लोजली है तो हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है डी के भी काफी क्लोजली है, जब बी डी के काफी क्लोजली है तो बीच में आपको ऑप्टिकल सेंटर आता है, तो अगर हम बी से आई को मेजर करें डी को आई से मेजर करें या आई को हम लोग ओ से मेजर करें तो बात तो बराबर आएगी क्योंकि सारे के सारे इमेज डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज दैट मी वन डिवाइडेड बाय डी आई को हम लोग लिख सकते हैं क्या मेरा ये इमेज डिस्टेंस है दैट विल बी वन अपॉन वी प्लस मी वन इंटू पीबी मेरा हो गया। आप यहां पे देखें तो बी आपका कहां है नियर द ऑप्टिकल सेंटर दैट मीन्स पी इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और बीच में काफी क्लोज है ऑप्टिकल सेंटर के तो इस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर दैट रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस दैट पीबी कैन बी रिटन एज यू, ये यू को रिप्रेजेंट करेगी दैट इंप्लाइज दैट दैट विल बी म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन अपॉन बीसी वन। तो उसी डायग्राम में अगर फिर आप चलते हैं तो बीसी वन को हमने आर वन के नाम से मतलब यहाँ आपका फर्स्ट सरफेस का जो हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये बीसी टू जो हो गया आपका सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इन दैट केस वी कैन राइट इट एज लाइक वन अपॉन आर टू दैट इज फाइनली हम लोग क्या एक्सप्रेशन ऑप्टेन किए कि म्यू वन अपॉन बी प्लस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आपका जो हो गया ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन मिला किसके लिए इस दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करने के बाद। चलिए अब इन सारे इक्वेशन को छोटे छोटे इक्वेशन जो भी है सारे को हम लोग डिलीट कर लेते हैं, इसके बाद देखिएगा बस अब आपका कहानी यहाँ पे खत्म हो गया जो था हम लोग को मिल गया। अगर मैं इस दोनों में म्यू वन कॉमन ले लू तो मुझे क्या मिलेगा वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इन टू म्यू वन कॉमन आएगी, तो इसको अगर मैं म्यू वन को कॉमन लेकर के राइट साइड में कर दू तो ये क्या होगा म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यह आ गया दैट इंप्लाइज दैट वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू, ये क्या होता है वन अपॉन एफ, तो इसको हम लोग वन अपॉन एफ लिख लिए इंटू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन, अगर यहां पर म्यू टू अपॉन म्यू वन लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इतना अपॉन इतना वन आ जाएगी, फिर इसके बाद ये क्या आएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसी को हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और उसके बाद इसमें देखिएगा ये जो म्यू टू माइनस म्यू वन है ना इसको कभी कभी लोग क्या करते हैं कई तरीके से रिप्रेजेंट करते डिनोट करते हैं, उस चीज को थोड़ा लिख लीजिएगा, इसके वजह से कई टाइम्स बच्चे जो थे कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में। चलिए यहां तक आप लोग लिखिए, तो इस बात को एक लाइन और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन जो है ना इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं क्या मालूम है ये म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, दैट मींस इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और आप एनसीईआरटी के सिंबल में अगर चलेंगे तो एन टू वन के रिप्रेजेंटेशन भी यही शो करती है दैट रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन माइनस वन, ये दोनों एक ही चीज है यानी कि अलग अलग और है बीच में साइन और लगाए इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा नीचे में इट इज ऑल्सो नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला या लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है आपका इसको हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, इसके बाद इट इज यूज टू डिजाइन पावर ऑफ लेंस या इट इज यूज्ड टू डिजाइन लेंसेस ऑफ डिजाइंड फोकल लेंथ यूजिंग सरफेस ऑफ सूटेबल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो
मान लीजिए कि आप ग्लास यूज करते हैं, तो जब ग्लास यूज करते होंगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ग्लास दिए जाते हैं, देखा जाता है कि उसके उसके अंदर में किस तरह के डिफेक्ट्स और विजन से, या आपका माइक्रोस्कोप ले लीजिए, टेलीस्कोप ले लीजिए, तो उस सारे में जो ग्लास यूज किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्लास यूज किया जाता है। वो एक्चुअली में ग्लास होती है ना, वो कैसे बना देती है, तो उसमें जो होता है ना यही सारा यूज किया जाता है, इसी चीज का यूज किया जाता है, इसी एक्सप्रेशन का वहां पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो यूज हम लोग करते हैं मैन्युअल रूप से, वो कर्वेचर का रेडियाई की हेल्प से क्या करते हैं, डिजायर्ड फोकल लेंथ, मुझे जितनी फोकल लेंथ की इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऑप्टिकल डिवाइस चाहिए, उस का हम लोग निर्माण कर लेते। चलिए तो यहां तक ये हो गया। इसके बाद जो होता है ये आपका खाने खत्म कर लिया, इसमें कस फॉर्मूला, इसके लिए फिर हम लोग अगले क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। पहले तो आज की क्लास में थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं इसी से रिलेटेड और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप लोग क्लास टेंथ में पढ़े होंगे तो एक लेंस से रिलेटेड और फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि 1/f = 1/b - 1/u होता है। तो वास्तव में यहाँ पे ये बातें होगी कि दोनों में फर्क क्या होती है। तो हम लोग वहां पे जो डिस्कस करते हैं ना, देखिए वहां पे हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो थिन लेंसेस के लिए यूज करते हैं, तो आप उसको हम लोग ये भी कहते हैं फॉर थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला के लिए हम लोग 1/f = 1/b - 1/u यूज करते हैं। तो ये जो आपका है ओनली फॉर थिन लेंसेस के लिए है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जहां तक, तो क्लास टेन तक में जो रहती है सारे बात आपको मेंशन किया हुआ रहता है नॉर्मली, और हम लोग वहां पे हैबिट में आ जाते हैं कि डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। बट अपर क्लास में जब जाओगे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर लेंगे जब तक कि आपको मेंशन नहीं किया हो रहा है कि आपका थिन लेंस है। ठीक, चलिए तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो अब हम लोग समझते हैं एक और टर्म है मैग्निफिकेशन, जिसके बारे में आप लोग की सिलेबस की मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बढ़ता हूं तो आगे का पॉइंट आपका मैग्निफिकेशन है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। यहां तक हो गया। तो आज की क्लास में मेनली रूप से हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का प्रूफ का डिस्कशन किया और उसकी यूजेज का डिस्कशन किया। तो इसमें कुछ था नहीं, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया था कि केवल सिंपल सी बात है कि आप उसका डायग्राम को सबसे पहले आप ऐसा करें कि जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला को प्रूफ करने को जाए तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रिमेंबर रखिए। फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में पहले से रिमेंबर रहेगी ना, तो उस केस में क्या होगा कि आपको प्रूफ करने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि फॉर्मूला अगर थोड़ा बहुत अगर बीच में आप कोई गलती भी करते हैं तो आपको वहां तक पहुंचने में काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1/f = 1μ2 - 1 × 1/r1 - 1/r2 ये था, और उसके लिए मैंने डायग्राम बहुत ही नेट एंड क्लीन डायग्राम आप लोगों को दिखाया था। इस तरह का डायग्राम था, क्या था इस तरह का डायग्राम आपका था, और मैंने बताया कि एक सरफेस ये होता है एबीसी, एबीडीसी, एक सरफेस इधर का सरफेस होता है, इसके लिए हम लोग रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट कराते हैं, फिर आपका एक सरफेस एडीसी होता है, इसके लिए रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट कराते हैं। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑन ए सरफेस एबीसी आफ्टर इट विद द कैलसो रिफ्रैक्शन ऑन ए सरफेस एबीसी फाइनली कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन एंड गेट दिस इक्वेशन। तो फाइनली दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो दैट रिप्रेजेंट्स द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, और आप लोग फाइनली लिख देंगे कि वेयर म्यू वन रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू टू रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन ग्लास या आपका लेंस, तो ग्लास लेंस लिख देंगे। फिर आपका आर वन रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस एबीसी, वाइल आर टू रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस एबीसी, और या एफ तो दोनों के लिए जो होता है आपका इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो आप एफ ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ जो होती है दोनों के लिए तो सेम ही होती है, तो इसलिए आप उसको एफ ही रहने दे सकते हैं। चलिए तो यहां तक आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेले रूप से पावर ऑफ लेंस, कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। दिखने में तो काफी छोटा टर्म है, और कभी ज्यादातर लोग इसको डिफाइन भी कर देते हैं काफी शॉर्ट में, कि रिसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। तो रिसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ नॉर्मली बोल देते हैं कि पावर ऑफ लेंस, बट हम लोग थोड़ा सा इसका एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे कि इसका मीनिंग, तो एक्चुअल मीनिंग इसकी क्या होती है पावर ऑफ लेंस का, फिर उसको हम लोग समझते हुए फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर केस आता है, और वो केस आती है कब, जब वो लेंस थिन हो, तो उस केस में ये डेफिनेशन है सूटेबल होती है। p = 1/f, दैट मींस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस, व्हिच इज व्हिच ऐसा यूनिट विल बी डायोप्टर बोलते हैं या पर मीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे चीज हम लोग करते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, जो कि अगले क्लास का हम लोगों का टॉपिक रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज
जब मोर देन टू लेंसेज को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसके पावर में क्या चेंजिंग होती है, या उसके पावर किस तरह से, या आप ऐसे बोलते हैं कि व्हेन वी कंबाइन मोर टू और मोर देन टू लेंसेज इन दैट केस व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, वो घटेगी बढ़ेगी, या अगर मैं मान लिया कि एक लेंस कॉनकेव एक कॉन्वेक्स यूज कर दिया कंबाइन करके, या दोनों कॉनकेव या दोनों कॉन्वेक्स यूज कर लिया, तो उसके इसमें क्या इफेक्ट पड़ती है उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर जाकर के हम लोग इसके बाद फाइनल जो हम लोग का क्लास होगा वो होगा आपका मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस। तो थिन लेंस जो होती है पतली वाली लेंस, वो किस तरह से डेविएशन एग्जिस्ट कराती है, कितना डेविएशन होती है उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो वो जो आपका डेविएशन होगा ना, वो एक्चुअल में आपका यही से आती है कि वो जो डेविएशन होता है ना पावर ऑफ लेंस जो होती है, एक्चुअल में डेविएशन से ही डेफिनेशन आता है पावर ऑफ लेंस से, क्योंकि पावर ऑफ लेंस जो होते हैं वो मेजर ऑफ डाइवर्जिंग रे और कन्वर्जिंग रे होती है, और उसी का एक स्पेशल केस आपका P=1/4 थिन लेंसेज के लिए आ जाती है। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।